हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं कनाडा के घरों का हाउस टूर। आपको देते हैं, देखो यहाँ पर कैसे होते हैं। ये है कनाडा के घर, जहाँ पर आप मेन रोड से आते हैं और ये आपका ड्राइववे होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये सीढ़ी से आप अंदर आते हैं और अंदर आते ही आपको जो है बढ़िया मिलता है रूम। यहाँ पर है बिजली के बटन जो कि उल्टे खुलते हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया को ऊपर को खुलते हैं, नीचे बंद होते हैं, और यहाँ नीचे को खुलते हैं, ऊपर को बंद होते हैं। ये खुले और ये मिलता है एक बड़ा सा हॉल, जहाँ पर इधर आपके शूज़ रखने का है। यहाँ की एक अच्छी खास बात ये होती है कि यहाँ पर जूते आप अंदर नहीं ले जाते हैं, सारे जूते यहीं पर खोल दिए जाते हैं, घर के जूते होते हैं अलग। ये बैठे हैं पांडे जी और ये है छोटा सा बैठक, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। ये रहा एक छोटा सा बैठने का स्थान और यहाँ पर है, ये है लाइट। लाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए इससे जो है इसकी रोशनी कम ज़्यादा हो रही है। ऊपर को बढ़ाते जाते हैं तो रोशनी में फ़र्क पड़ता है, और जैसे ही नीचे करते हैं तो रोशनी कम होती जाती है। और ये है यहाँ का टेम्परेचर, का टेम्परेचर सेट करने वाला, अभी 22:30 पर सेट है। और फिर आप यहाँ से जाते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर को। ऊपर में है बेडरूम। यह है सुंदर सा आइलैंड किचन, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको फ्रिज, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए फ्रिज में सभी का सामान भरा रखा है। और इधर जो है आपको माइक्रोवेव दिया है, ये सारे ड्रॉयर वगैरह दिए हुए हैं। और ये है डिशवॉशर, ये दिया जाता है आपको पानी का वाटर फिल्टर। ये है गैस, नीचे दिया है ओवन। यहाँ ओवन है, इसमें फ्लेम है। और ये यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है यहीं पर हमने लगा रखे हैं। छोटे छोटे पौधे, जिसमें एक कली गुलाब की आने वाली है। किचन आइलैंड, यहाँ पर पांडे जी बैठते हैं और यहाँ बनता है खाना और यहाँ पांडे जी खाना खाते हैं। ये है यहाँ पर सेंट्रल हीट के लिए, यहाँ से फ्रेश हवा नीचे को रोटेट होती है, नीचे को जाती है और ऐसे वेंटों से आती है ऊपर को गर्म हवा, इसमें गर्म हवा आती है। और ये है बैकयार्ड, बहुत सुंदर सा पीछे जगह मिलती है आपको। यहीं पर कुछ पौधे लगाने की कोशिश की गई है। बहुत सुंदर नज़ारा जो है देखने को मिलता है। देखिए किचन एरिया, यह पूरा बड़ा घर। और यहाँ होते हैं बेसमेंट, बेसमेंट का रास्ता होता है यहाँ से, यहाँ से जो है नीचे को बेसमेंट को जाते हैं नीचे को। यह है बेसमेंट और सामने दिखाई दे रहा किचन, किचन का स्पेस है ये। और ये है चूल्हा, ये कॉइल वाला चूल्हा है और इसमें जैसे इंडक्शन की तरह होता है ये। और ये है चिमनी और इसके बगल में है सिंक बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पर है वॉशिंग के लिए एरिया, एक है सर और दूसरा है ड्रायर, क्योंकि यहाँ ड्रायर। तीसरा यहाँ पर है फ्रिज। और ये है यहाँ पर एक सिटिंग रूम कहिए या डाइनिंग स्पेस। और अब हम इस गैलरी से अंदर को निकल रहे हैं
और ये दाहिनी तरफ को ये जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर वाले कमरों की तरफ को जाता है, उस कमरों से ये नीचे को भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पर है एक स्टोर रूम, यहाँ पर आप कपड़े वगैरह हैंगर वगैरह की व्यवस्था रहती है, इसमें कपड़े वगैरह रख सकते हैं, कुछ और सामान भी रख सकते हैं। एक कमरे के साथ एक ये छोटा सा स्टोर रहता है। और हम बढ़ते हैं अब गैलरी से इस छोटे से रूम में, यहाँ पर व्यवस्था रहती है फर्नेस की, जहाँ से गर्म हवा जाड़ों के दिनों में और गर्मियों में ठंडी हवा, और ये टैंक दिखाई दे रहा, इससे पानी की सप्लाई होती है। गर्म जब गर्म चाहिए आपको गर्म पानी और ठंडा चाहिए ठंडा, 24 घंटे यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध रहती है। और ये है एक कमरा बेडरूम, और ये बेडरूम जो है यहाँ पर मिलता है। और इस बेडरूम में एक वेंटिलेटर बना हुआ है ऊपर में, और इसके साथ ये वेंटिलेटर दिखाई दे रहा आपको, ये बाहर की तरफ है, यहाँ हवा आ सकती है फ्रेश, इससे इसको खोल सकते हैं आप, और इससे धूप भी आती है, बेसमेंट में ये सुविधा रहती है। और ये है गर्म हवा आने के लिए, यहाँ बेसमेंट में छत में होता है और बाकी फ्लोरों में ज़मीन पर। और इसके साथ में एक बाथरूम की सुविधा दी जाती है वॉशरूम की, ये है वॉशरूम, छोटा सा प्यारा सा वॉशरूम है यहाँ पर। और इसके अंदर है बाथरूम, जहाँ शीशे कांच का दरवाज़ा है, और इसके अंदर है बाथरूम। और इसके बाद हम इससे निकलते हैं बाहर फिर से, और फिर वही रूम दिखाई देता है आपको। और इसके बाद एक रूम और मिल रहा है आपको, और इस रूम में जो है कुछ रिपेयर का काम चल रहा है अभी। और ये है ऊपर से वेंट आने के लिए गर्म हवा, और ये रूम आपको दूसरा रूम मिला। और हर रूम के साथ एक अटैच स्टोर होता है, जिसमें आप कपड़े वगैरह हैंगर वगैरह रख के कपड़े वगैरह रख सकते हैं, और कुछ और सामान भी रख सकते हैं। तो इसमें कुछ छुटपुट सामान रखा हुआ है, क्योंकि उधर में दीवार में आपने देखा होगा उसमें कुछ पैच लगना है, इसलिए यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। फिर हम वापस चले, फिर ये रूम और आया, और इसी के साथ में जो है वॉशरूम जो भी दिखाया था आपको। और ये बेसमेंट जो है दो रूमों का बेसमेंट है, और इसमें फिर से हम ये सीढ़ी वाला पोर्शन आ गया, फिर वापस जा रहे हैं हम। और ये जो है रूम यहाँ पर है, और ये बाहर निकलने का रास्ता, और हम निकल गए अब बाहर। और यहाँ का नज़ारा जो है देखने लायक रहता है। अब जो है बहुत छोटे छोटे पत्तियाँ आने वाली हैं, इस पेड़ को देखिए थोड़ी थोड़ी कंसियाँ दिख रही हैं। जब हम लोग आए थे ना तो उस समय फॉल सीजन था, तो ये सारे रंगीन पत्तों से भरे हुए थे। अभी जो है अब नई कलियाँ आने वाली हैं। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है, ये है कोर्टयार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर है किचन एरिया, और यहाँ से जो है इधर एक छोटा बाथरूम दिया है, इधर को लिविंग रूम में जो वॉशरूम दिया जाता है इसमें बाथरूम की सुविधा नहीं होती है, इसलिए इसको हाफ वॉशरूम भी कहते हैं। को दिया है गैराज, यहाँ से ही नीचे बेसमेंट के लिए रास्ता जाता है। और ये है गैराज, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी होती है, और यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा जाता है स्टोर टाइप से। यहाँ से जो है हम लोग जाते हैं ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर जाते ही हमको मिलता है वॉशिंग एरिया। यहाँ पर है वॉशर, और ऊपर है ड्रायर, इधर थोड़ी सी जगह बची हुई है। और सीढ़ियों से जाके यहाँ पर जो है
हमको मिलते हैं अपने रूम। इधर है बेडरूम, ये है एक बेडरूम और इसके सामने दिखाई दे रही खिड़की, इसी पर एक स्टोर भी है, वो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ आपको, जैसे नीचे दिखाए थे वैसी है बेसमेंट की तरह। और इसके साथ है ये वॉशरूम जिसमें दो वॉश बेसिन लगे हुए हैं, एक टॉयलेट की सुविधा है और टब बाथ की सुविधा इसमें है। और ये सामने फिर से दिखाई दे रहा है वॉशिंग एरिया और ऊपर में ही कमरा है एक मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ मिलता है अटैच्ड वॉशरूम जिसे मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। जाने को तैयार है और पार्क में चलते हो। तो ये है यहाँ का बैठक और ये रहा सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर, ऊपर में है बेडरूम सारे रहने के लिए। ये यहाँ का डाइनिंग रूम और डाइनिंग रूम के साथ में ही लगा हुआ है किचन। किचन आपको जो है बहुत सुंदर किचन मिलती है जहाँ पर सारी चीज़ें मकान मालिक द्वारा ही दी जाती हैं। फ्रिज है, माइक्रोवेव है, डिशवाशर और ओवन है, गैस चूल्हा है, ये सारी चीज़ें जो हैं मकान मालिकों द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं आज का कैसा है करके। थोड़ा ठंडा लग रहा है बाहर में, जाते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। लाइट ऑफ कर देते हैं, बिजली तो सब जगह बचानी ही चाहिए। यहाँ की कॉलोनी की कुछ खासियत मैं बताता हूँ आपको। ये है स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट उधर देखिए, पूरे स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं लेकिन इनके तार जो है अंडरग्राउंड हैं इसलिए इसमें कहीं भी आपको वो नहीं दिखाई देगा, तारों का झमेला नहीं है। यहाँ पर साफ सुथरी सड़क है, ड्रेन से बनी हुई है सोसर ड्रेन और इनको जो है पानी इनका जाता है इसमें। देखिए आप, यहाँ पर एक जाली बनी हुई है कास्ट आयरन की, इसके अंदर पानी चला जाता है नालियों का, इसलिए बरसात का, इसलिए यहाँ गंदा नहीं रहता। एक सामने जो है पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, क्रिसमस ट्री का। मैडम पहुँच गई बहुत दूर, तो मैं भी चलता हूँ उधर ही। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे बच्चे सब मिल रहे हैं। घर के सबसे नज़दीक में पार्क, कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का नज़ारा। और हम लोग करते हैं पार्क, यहाँ देखिए अभी बहुत सारे बच्चे बच्चे सब मिल रहे हैं। पार्क में हम अक्सर आया करते थे। इस पार्क का नाम क्या था वैसे? इस पार्क का नाम कुछ था ऐसे, तो हम लोग अक्सर यहाँ पर आते थे और इसमें हमने बहुत बर्फ में भी हम आए हैं यहाँ पर। आज हम डे आफ्टर टुमारो हमको जाना है इंडिया के लिए वापस, तो हम वो याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको? मिसाज लग रहा है बच्चों का, क्योंकि हम बच्चों के साथ यहाँ पर टाइम एक्सपेंड किए हैं काफ़ी, यहाँ पार्क में बच्चों के साथ आते थे तो इसलिए कुछ मिस करेंगे, हम बच्चों को भी मिस करेंगे और इस पार्क को भी मिस करेंगे। इस पार्क की कई यादें हमारे पास हैं और इंडिया में भी हम इसको याद रखेंगे। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और हमें जाना है इंडिया। इंडिया से अब हम अगला वीडियो आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।